हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फाउंडर्स रिव्यू। आज हम वाले बन रहे हैं छामी कबाब। तो हम लोग जो है छामी कबाब का वीडियो बनाएंगे और उसकी रेसिपी का वीडियो बनाएंगे और उसके रिव्यू का वीडियो बनाएंगे। तो चलो बिना देर किए हुए चलते हैं किचन में। किचन में निम्बरे बैठ पे मसाला मंगा दिया, तो देखते हैं वो लोग बैठ पे लाते कहने। तो आप वीडियो को बने रहें और पटका लड़ा रहे हैं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी आप देख सकते हो कि पूरा मसाला इन्हें रेडी है, पूरा मसाला इन्हें इसके ऊपर हम लोगों ने रख दिया है। तो देखना है कि क्या क्या मसाला है। ये क्या है ये प्याले में? ये कूटा हुआ धनिया है। कूटा हुआ धनिया है। और ये? ये गरम मसाला। गरम मसाला। और प्याज कितनी है? प्याज दो है। दो प्याज है, ऐसी कटी हुई है। अच्छा, और ये भी प्याज है? हाँ, ये जब खीमा पूरा उबलने के बाद में इसको बाद में मिक्स करना है। अच्छा, क्या क्या इसमें? मिर्ची है, मिर्ची, कोतमीर और ये प्याज। प्याज। और ये लहसुन, लहसुन, मिर्ची, अदरक और ये सूखी मिर्ची लाल। और ये लहसुन कितना है? ये 5-6 है। 5-6 लहसुन। और ये अदरक तो थोड़ा सा ही लेना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लेना पड़ता। और ये मिर्ची? ये 3 है। 3 मिर्ची है, लाल मिर्ची। और हरी मिर्ची? हरी मिर्ची भी 3 है। और ये कितना है दाल? चने की दाल 1 प्याली। 1 प्याली। और कीमा? आधा 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 किलो कीमा है। और आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें अभी क्या क्या मिक्स होएगा इसके अंदर? ये मिक्स होएगा। किसके अंदर मिक्स होगा? ये कीमे में सब उबालने, ये उबालने के लिए, ये उबालने के लिए, ये उबालने के लिए, और ये बाद में, मतलब कीमा जब उबल के हो जाएगा। अच्छा, और ये तीनों मिक्स हो जाएगा। हाँ। चलो मिक्स कर दो, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मिक्स होता है क्या क्या नहीं होता है। तो हम लोग वापस से किचन में आ गए, ये उबल गया और ये मिक्स भी कर दिए। क्या क्या मिक्स कर रहे थे अंदर? इसमें मिर्ची है, लहसुन है, अदरक है और गरम मसाला है, आखा धनिया है और थोड़ी सी हल्दी है। थोड़ी सी हल्दी है। और अभी इसको पीस देंगे। हाँ, इसको पीस देंगे और फिर उसके बाद अंडा लगा के तल देंगे। अंडा कौन सा लगाएंगे? अच्छा पैदा ये नहीं। अच्छा, ये अंडा लगा के इसको तल देंगे। एक ही अंडा लेना है? हाँ। और ये कितने कबाब कितने बन जाएंगे? बन जाएंगे, आधा किलो का है ना। आधा किलो कीमा है। ओके ठीक है। और तो दिखते हैं पीसते कहते हैं, पीसते पीसने के बाद कैसे दिखता है वो दिखते हैं। मम्मी डाल दो पूरा ही प्याज। अभी ये पूरा इसके अंदर मिक्स कर दिया हम लोगों ने। और मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। देखना ये कि अभी मिक्स होने के बाद मिला देंगे हम पूरा। मिला दो। पूरा मिला देंगे उसको। मिलाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और मिलाने के बाद हम लोग जो है इसके अंदर मिलाने के बाद वो जो है कुछ ऐसा दिखेगा। आप पूरी तरह से मिला दिए हम लोगों ने। और देखना ये कि मिलाने के बाद टिकिया पिट्टी बनती है। और हम लोग उसको तल लेंगे कैसे वो भी देखेंगे, उसका भी वीडियो मैं आपको बता दूँगा। और ये तो मैं ज़्यादातर रोटी के साथ ही खाता हूँ छामी कबाब। देखना ये कि ये कैसा बनता है। ठीक है, पीसने के बाद जो है इस तरह से बन गई है, इन्हें जो है एकदम गोल गोल उसको बना दिए अभी। और ये अंडा भी फेंट दिए पूरी तरह से ताकि उसको तलते हुए दिक्कत ना हो और कोई भी इन्हें तकलीफ ना हो। टिकिया जो है यहाँ पे हम लोगों ने मिक्सर में पीस दिए और पीसने के बाद जो है कुछ इस तरह से बढ़ी है। और अंडा भी फेंट दिया पूरा, एक ही अंडा फटे इसके अंदर। हाँ। एक ही अंडा फटे और टिकिया कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी देखते हैं कि तलने के बाद कैसी दिखती है। हाँ, अभी इन्हें इसको पूरा डीप कर दिया अंडे के अंदर। डीप करने के बाद ही इन्हें इसको तवे में डाल लेंगे।
तेल शायद गरम हो चुका है। तीन दिन आ गए इसके अंदर। तभी आप लोगों ने देखा था तीन आए, टोटल हुए थे पांच आए तवे के अंदर। और भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने ये मना किया कि नहीं यार पांच ही बहुत हो गए। तो देखता ये तो कत्ल देखते कितना टाइम लगेगा तलने में? 15 मिनट लगेगा। और 10 से 15 मिनट में तल के तैयार हो जाएगा, खाने लायक आ जाएगा। और हम लोग तो मैं तो रोटी का सर रहा था, मेरी वाइफ बोलती थी कि नहीं ये पाव के साथ भी बहुत खाते हैं। तो लेकिन मैं तो रोटी के साथ खाता हूँ। रोटी जब बन जाएंगी तब हम लोग खा लेंगे। ये 10-15 मिनट तलने के बाद पूरा इस तरह से दिखता है। 10-15 मिनट हम लोग तल लिए तो, और अभी निकालेंगे तो और खा के भी रिव्यू करेंगे कि खाने में कैसा है। तो शाही कबाब दिखने में तो बहुत ही अच्छा है। निकाल दो इसको बाहर। ओहो तो ये पांचों मेरे साथ निकल गए। और अभी हम लोग इसको ट्राई करेंगे रोटी के साथ कि ये कैसा लगता है। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अभी हम लोग जो है रिव्यू देने वाले खा के शामी कबाब का, खाने में कैसा बना है, दिखने में तो बहुत अच्छा था। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे बिना रोटी के। मैंने जैसे कहा था कि मैं रोटी से ही प्रेफर करता हूँ, तो बिना रोटी के भी और रोटी के भी खाएंगे। पहले बिना रोटी करते हैं। बिना रोटी के भी खा सकते हो आप इसको। और अभी रोटी के रस खा के देखेंगे कि रोटी के रस कैसा लगता है। ये मैंने रोटी के साथ ले लिया है, आप देख सकते हो ये मैंने रोटी से ले लिया। रोटी से उतना बहुत चलता है। वैसे छोटा सा मैं ऐसा हाथ में रोटी लेता बीच में गापा कर रहा और खाता रहा। तीन तीन चार रोटी खत रहा था, मेरी अम्मी हैरान हो जाती थी, अरे बोले कितना खाता है। अभी प्याज और नींबू से भी ट्राई करेंगे। नींबू भी बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। मैंने इसको भी नींबू छोड़ दिया है ताकि वो जो है टेस्ट बरकरार रहे। पे इस पर भी नींबू छोड़ के इस पर छोड़ रहे नींबू, नींबू इस बार भी छोड़। चलिए हम खा के इंजॉय करते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।